हरियाणा में उल्लास ये होगा, कांग्रेस का राज होगा। हमारी रामचंद्र फौजी उसका मुकाबला कोई दुकान नहीं को निकलेगी। इसमें बहुत ज्यादा विकास के कार्य कराए हैं, मेहनती आदमी है, सोशल है। बीजेपी 10 साल हो गए चक्री लिए, हाँ ताना सही है। कोई किसान की वैल्यू नहीं, कोई मजदूर की वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं हुआ भाई। बेरोजगारी तो बेरोजगारी, आगे तक काम लग रही है भाई। पेपर रखते हैं लेकिन करवाने को नहीं। पक्की कांग्रेस पार्टी भाई, भाजपा ने जमा बिलवांगी, भाजपा ने छोटा है हमारा नहीं गया, भाजपा कुछ नहीं गया हमारा। हर एक तो बोले तो छोटा के भाई, जमा तो हम घेरांगे, छोटा को नहीं, छोटा को नहीं। ठीक हुआ मतलब कोई किसी बालक राशन कार्ड काट दिए, पेंशन काट दी, मारा निकले फायदा। बीजेपी कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के पार्टी कांग्रेस ज्वाइन करा रही है, बातचीत करेंगे हम तो बारे में क्या चीज बातचीत करें। हम तो भी राम राम आज किस तरह के रुझान है, कौन आना है, क्या प्रोग्राम है। कांग्रेस बोले हरियाणा में उल्लास ये होगा, कांग्रेस का राज होगा। अभियान खेलेंगे हमारी रामचंद्र फौजी, उसका मुकाबला कोई दुकान नहीं को निकलेगी। इसमें बहुत ज्यादा विकास के कार्य कराए हैं, मेहनती आदमी है, सोशल है, दुख में सुख में सब शरीक होता है, दुख चाहिए आदमी को पास करता है, साथ लगाता है। एक खूबी है इसके अंदर, हर आदमी साथ लेके चलता है, घमंड नाम की चीज नहीं है। इसके सामने कोई बेकाबू सताई आदमी नहीं है। कौन से काम का वो उड़ते हैं? अच्छा तो एक बार क्या लगे कि 9 साल तक बीजेपी सरकार थी, बीजेपी का तो कुछ करे तो नहीं, न किसी का काम करते, न कोई किसी मिलती, न कोई आते, कोई दुकान नहीं है बीजेपी की। ये तो देश में कांग्रेस, प्रदेश में कांग्रेस, वहां राहुल गांधी का नेतृत्व में, यहाँ उठा नेतृत्व में कांग्रेस की लहर है, लेकिन लहर के हाँ दीपेंद्र हुड्डा आएगा तो लोगों में जनसलाह बहुत ऊंचा है, और आने वाला समय दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। कांग्रेस का एक ही कृपा है, कोई और पार्टी नहीं है उसके चक्कर में। हर तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस है, जिस तरह ने बीजेपी सरकार कितने है काम? 3 हजार में कुछ को नहीं है, कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? हाँ कर रहे हैं, 10-15 आदमी, 20-25-100 आदमी करीब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अंकल जी बताए, अंकल जी क्या लागे इकड़ है? क्या लागे कांग्रेस की लागे भाई? कांग्रेस एक खासियत लागे कांग्रेस में, सारे इसमें वो है गुण है, सारे गुण है, लेकिन बातचीत करेंगे। अंकल जी भी आ रहे हैं, अंकल जी इधर बात कर ले। अंकल जी क्या लागा सर, जरूर बने कांग्रेस का भाई? बीजेपी 10 साल हो गए चक्री लिए, हाँ ताना सही है। कोई किसान की वैल्यू नहीं, कोई मजदूर की वैल्यू नहीं, और ना ही किसी आदमी की वैल्यू समझ रखे। जातिवाद, धर्मवाद, जितने भी प्रोपगंडे जितने लगाते भी प्रोग्राम है कांग्रेस के, आज भगवान ने चाहे तो आ जाएगी। 9 साल हो गए लेकिन कराया हुआ ना, महाराज जी में कराया पूरी बात।
हाँ एक काम जरूर करे लता बजवाया है, राजपाट का खुंड बजवाया है, फिर हम राजनीति की है करा करा कुछ नहीं। अच्छा अपना कौन सा काम पड़ा? तेरा नाल गांव है लास्ट गांव। अच्छा तो बाहर में जरूर बता रहे हो? जरूर बता रहे हैं। अच्छा हां बिल्कुल बिल्कुल। तो करके लग गए परला बना था और जो पूरा एरिया कवर कर दिया, लग गया कि माहौल इसलिए माहौल है जब बताऊं है ना तो काले नु जंदी आन की नहीं तान दे किस लिए किसकी सरकार लग गई पड़ा जी ये भी बुड्ढा ही सरकार अपने बोले में वाणी गढ़ रामकिशन पहुंच जी। अच्छा आ जाओ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये मनु कहो है ऊपर तक कांग्रेस उड्डा नीचे फौजी। मैं देखो पंडाल भी बनना गया, मैं आपने दिखा दूं ये पंडाल भी पूरा पूरा बनना रहा है और वो स्टेज है, लेकिन वो तो टाइम बता हुआ युवा साथी खड़े हैं क्योंकि युवा की बड़ी सोच है आज, क्योंकि युवा का कितना क्या काम है बताऊंगे भाई सब लग गए 9 साल हो गए बीजेपी सरकार ने, कितने युवा से लोग नौकरी लागे किसा का कुछ भी नहीं हुआ भाई, बेरोजगारी तो बेरोजगारी आगे तक काम लग रही है भाई, पेपर रखते हैं लेकिन करवाते को नहीं, आगे तक मतलब युवाओं का मजाक बना रखे है और कुछ नहीं है, बिल्कुल मजाक है, एक जुमला है बीजेपी, एक बिल्कुल जुमला पार्टी है और कुछ नहीं है। तो आज क्या लागे जल शराब ठीक लागे? बिल्कुल एक एक तरफा आवाज है। कौन सा काम अपना? बड़सी है। अच्छा अच्छा, तो मेरे ख्याल सारा बड़सी उठ के आई है। बिल्कुल बड़सी है, एक तरफा है जी, बिल्कुल कांग्रेस का। किसने बड़ा गुगल भी लाएंगे? रामकिशन फौजी। क्या खासी मिला गया इसमें? बिल्कुल हमारा बिल्कुल दिल पे हमारे से जुड़े हैं, हर प्रकार का दुख सुख में हर मतलब साथी हैं हमारे, अब भी 9 साल हमारे बीच में रहे हैं, अब भी हमारे बीच में रहे हैं, यानी कि भाजपा थी लेकिन कांग्रेस के होते हुए भी हमारे बीच में रहे हैं। एक अंकल जी है, अंकल जी का मन मारी है कई बात, अरे तक प्यार तो बता हुआ क्या लागे अंकल जी कांग्रेस पार्टी? हाँ पक्की कांग्रेस पार्टी भाई, भाजपा का जम्मा बिलवांगी भाजपा छोटा है, इतने काम तो करा होगा ना? कुछ नहीं करा, मारा नहीं किया भाजपा, कुछ नहीं करा मारा। अच्छा। अरे इनको बोलो तो छोटा के भाई जम्मा तलेम घेरांगे, छोटा कोनी छोटा कोनी ठीक, लेकिन मैं तो कर रहा हूं थोड़ा ना, कुछ नहीं करया भाई, गरीब लगवाए हुए ना, मतलब है कोनी किसी बालक राशन कार्ड काट दिए पेंशन काट दी, मारा नहीं करया फाटा ठीक सब, धन्यवाद। बोलो को मैं घूम गए सकले को दिखाता कहते हो लोग को एक काम करो, एक प्रति को जानता हो सकते कौन दिखाई के दोस्त है? अच्छा हाँ सारे काम तो कांग्रेस सरकार में होते हैं, कांग्रेस रामकिशन को जीतेगा पक्का 110%। हाँ बर्सी में कितने वोट आ जाएंगे? बर्सी में यू समझ लो एक तरफा इलेक्शन के लाइन होता है। एक युवा साथी है, बस क्या लाग गया युवा के 9 साल हो गए कितने काम कम रहे हैं किसान ने? सर मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी तो सरकार है, वो 1% भी किसी किसान के पक्ष में नहीं है, बेरोजगारी की अगर बात करो तो आप बिल्कुल ही कहते कुछ है बातें कुछ है सब, और बहुत ज्यादा बेरोजगारी मतलब ये खासकर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो सारा युवा बहुत परेशान है सरकार से, और महंगाई की बात करें तो आप जन जन से पूछ के देख लो इतने परेशान है महंगाई के दौर में, आज जो चीज कांग्रेस सरकार में आपको 250-300 रुपए में मिल रही थी वो चीज आपको अब 1200-1500 रुपए में मिल रही है, एक आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? पर क्या लगे आज की बार लगना नहीं श्योर है 101% हम कांग्रेस आएगी, कांग्रेस सरकार बिल्कुल बनेगी, और पिछली बार कह रहे थे ना 75% बीजेपी वो उसी की थोड़ी हमारी कमी रहेगी, लेकिन आप की बार हम कह रहे हैं 75% ने हमारी 90 सीट है तो 90 की 90 सीटें आएगी कांग्रेस सरकार की। गाँव बड़ा मेरा गाँव बड़सी है और बड़सी है, और मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री युवा है हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, और विधायक बनी खड़े थे बिल्कुल हमारे रामकिशन फौजी जी है जो हमारे चहेते भी और जुझारू भी है, हर हर युवा वर्ग के साथ सहयोग करते हैं। देखो भाई यार किसी के दिमाग पहलू है कि भाई लोगों कांग्रेस पार्टी आओगी, ऊपर तो लुका कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अमित रामकिशन फौजी बता हल्का मात्र है, चारों तरफ कितना भी जाओ कोई भी बातचीत करा चारों तरफ सिरे पर से कांग्रेस हो रही है।